फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूजा टेस्टी रेसिपीज। आज मैं बना रही हूँ बैंगन, छोटे वाले बैंगन मैंने यहाँ पे कट कर लिया है फ्राई करके। यहाँ पर मेरा तेल गर्म हो चुका है, मैं इसमें बैंगन डालूँगी। छोटे वाले बैंगन आपके बनाए हैं तो बहुत टेस्ट लगते हैं, ऐसे बना के बच्चे भी खा लेते हैं। आलू बैंगन पसंद नहीं लगते हैं। बैंगन हमारे फ्राई हो चुके हैं, हम इनको प्लेट में डाल लेंगे फ्राई में। पहले थोड़ा सा तेल गरम करेंगे और बैंगन के लिए मसाला बताएंगे। थोड़ा ही तेल लेंगे ताकि ज़्यादा ऑयल ऑयल ना हो। यहाँ पे मैंने प्याज मैं काट चुकी हूँ, अपने टमाटर भी काट लिए और हरी मिर्ची। प्याज जो है वो थोड़ा बड़ा बड़ा काटेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे बड़े स्लाइसेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हमारा तेल गर्म हो रहा है, ये देखिए तेल हमारा कुक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, डाल सकते हैं बाकी जीवन डालते हैं। हरी मिर्ची भी डाल देंगे, दो मिनट तक इनको पकाएंगे। प्याज जो है ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे, ज़्यादा पकाने में छोटे अच्छे लगते हैं तो डाल लें, ज़्यादा डालेंगे हल्दी, धनिया पाउडर और नमक चला देते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे।
हम इसको सिम गैस पे कर लेंगे, इसमें पानी नहीं डालेंगे। ये देखिए हमारा जो मसाला है वो अच्छे से पक रहा है, इसको एक मिनट के लिए और पकने देंगे। उसके बाद इसमें लेमन डाल लेंगे। हमारा मसाला पक चुका है, पाँच मिनट के लिए सिम गैस पे ही ढक के पकाएंगे। ये देखिए हमारे बैंगन कितने अच्छे से पक चुके हैं, बैंगन भी पक चुके हैं। अच्छे रंग नहीं आते तो आप भी अच्छे से स्टोर से बने हुए हैं, अच्छे रंग छोटे छोटे पकड़ते हैं। देखिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, कीप शेयरिंग लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।